अक्षय कुमार और उनकी मैनेजर रेशमा शेट्टी एक्सपोज हो चुके हैं। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि अक्षय कुमार एंड रेशमा शेट्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अक्षय और रेशमा, ये ऑफकोर्स रेशमा शेट्टी सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हैं अक्षय कुमार के, कौन सी फिल्म वो करेंगे या इस तरह की सारी डील्स लेकर आती हैं उनके लिए, जो मैनेजर्स का काम होता है एक्टर्स के लिए। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पृथ्वीराज जो फिल्म अक्षय कुमार ने साइन करी है, जी हाँ पृथ्वीराज चौहान, वो फिल्म पहले थी सुशांत सिंह राजपूत के पास, लेकिन इस फिल्म को छीन लिया रेशमा शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों ने जॉइंट एफर्ट किया और यशराज बैनर्स में ये जो फिल्म बन रही है यशराज के अंडर, इस फिल्म को छीन कर उन्होंने अपने खाते में डाली और सुशांत के हाथ से ये फिल्म निकल गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी चीज़ सामने आ रही है कि और इस तरह की खबरें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि MS धोनी को लेकर भी इस तरह की सेम चीज़ हुई थी, जब रेशमा शेट्टी ट्राइड हर लेवल बेस्ट कि ये जो फिल्म है ये अक्षय कुमार के पास चली जाए और सुशांत के हाथ से निकल जाए, लेकिन धोनी फिल्म जो है वो फाइनली सुशांत के खाते में गई एंड सुशांत से बेटर और कोई धोनी प्ले कर नहीं सकता था। दिस इज़ अ फैक्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि रेशमा शेट्टी वही हैं जिनसे मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी वक्त तक पूछताछ की थी। जी हाँ, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब नेपोटिज्म का पूरा एक एंगल आ रहा था उस वक्त स्टार्टिंग के फेज में, उस वक्त ये चीज़ थी कि रेशमा शेट्टी को ऑफिस बुलाया गया था और तकरीबन 2 से 2.5, 3, 4 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। सो अब देखना ये होगा कि क्या ये बातें सच है और अगर सच है तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि ये फिल्म उनके हाथ से छीन ली गई, ये फिल्म छीन ली गई। सिर्फ एक जगह से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत सारी जगह से नज़र आ रही है। तो अब आप लोग एज अ व्यूअर मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर, क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं इस पर। और बाकी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल मूवीज़ अड्डा को।